हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन आई प्रनीत को वेलकम यू टू अन अकेडमी इंडिया रेपुटेटेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तो गाइस जल्दी से आ आज द हिंदू की करने वाले हैं हम आज वो तो गाइस आपको पता ही है वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स से उसके पहले गाइस ये डिस्कशन के लिए आपको सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी स्ट्रीमिंग ओके फाइन तो गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन ओके तो गाइस आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई आपको एंड दस दिन अब गणेश जी की हम सेवा करेंगे तो so, हैप्पी गणेश चतुर्थी ठीक है चलो तो गाइस हम कर रहे हैं द हिंदू की विकैबलरी जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत आवश्यक है बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट है तो चलिए वो को स्टार्ट करते हैं मगर उससे पहले गाइस आपको करेंट बैचेस के बारे में बता देती हूँ चलो उसके बारे में हम बारे में बताएंगे पहले हम पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट गाइस जो आपका वर्ड है दैट इज़ बेलगर दैट मीन्स घेरा डालना है ना गाइस बेलगर का मतलब होता है घेर लेना किसी को हम घेर लेते हैं मतलब जैसे कि तालिबानियों ने क्या किया घेर लिया ना उन लोगों को और फिर उनको निकाल दिया किसी को मतलब भाग गए वहाँ की गवर्नमेंट वगैरह तो गाइज टू सराउंडेड विद सराउंड फोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ कैप्चरिंग प्रिवेंटिंग कमेंट एंड कम्युनिकेशन ठीक है फॉर द पर्पज ऑफ कैप्चरिंग और प्रिवेंटिंग कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन मतलब पूरी तरह से उनको कब्जा कर लेना ना में में है ना गई जिसको हिंदी में कहते हैं हमारे में कहते हैं कि कब्जा कर लिया यार दैट इज नोन एज बैलग कम ठीक है गाइस तो पूरी तरह से गार्ड कर देना ठीक है पूरी तरह से गार्ड कर देना इस बैलेगट ठीक है पूरी तरह से आ, ठीक है तो पूरी तरह से गार्ड कर लेना को बैलगर्ट करना कहते हैं ठीक है जी आ, बल गार्ड कर लेना है ना गाइस पंजाबी वर्ड है फिर तुम लोग समझ में आना नहीं कोई मतलब नहीं है है ना गाइस तो वो मतलब नहीं होगा तो इसको ऐसे ही याद करो कि गार्ड कर लेना पूरी तरह से घेरा कर लेना है ना गाइस पूरी तरह से घेर लेना उसे हम बेलीगेट कहते हैं ओके ओके ठीक है जी सराउंड कर लेना सर्कल करना या फिर अपनी आ, ठीक 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 है 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 इस डालना है, तो किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को किसी जगह को कि, मतलब एक तरह से पूरा ब्लॉक कर देना देनाज कर लेना ब्लॉक करना इन्वेस्ट कर देना इन्वेट कर देना है ना इसे हम कहते हैं वेलगेट का किसी को आ, किसी चीज को एक तरह से कब्जा मार लेना है ना इसका जैसे आ, बहुत सारे केसेस हैं यार हमने हमारे इंडिया ने बहुत देखा है ना गाइस पहले मुगल्स फिर आ, क्या कहते हैं फिर क्या नाम ब्रिटिशर्स तो लाइक घेरा मारना और फिर कब्जा कर लेना कैप्चर कर लेना तो ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं है ना गाइस इमेंसीपेटेड कई बार ये वर्ड एग्जाम में पूछा चुका जा चुका है दैट मीन्स फ्री कर देना मुक्त कर किसी को आज़ाद कर देना है ना गाइस ओके फ्री फ्रीड करना लिबरेट कर लिबरेटेड है ना, liberated कर, liberated ना? तो गाइज ध्यान रखना है मैसीपेटेड आपका अच्छा वर्ड है एग्जाम में आ चुका है ठीक है बीसीज वर्ड भी मैं आप लोगों को पहले भी कर चुके हैं तो बैलग वर्ड पर भी ध्यान रखना नेक्स्ट गाइज प्रोटीज ठीक है वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटीज अ पर्सन हु इज गाइडेड एंड सपोर्टेड बाई एन ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंस और इन्फ्लुएंस्ड इन्फ्लुएंशियल पर्सन ठीक है who is and by an older, ठीक है तो proceed को हम कहते हैं आपका अ पर्सन हु इज गाइडेड एंड सपोर्ट ठीक जिसको सपोर्ट मिलता है प्रोटीज कौन है अ पर्सन इज गाइडेड एंड सपोर्टेड बाय एन ओल्डर एंड मोर एक्सपीरियंसड एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन तो कोई जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के प्रोटीज ही, हमें वो गाइड गार्ड भी करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं सपोर्ट करते हैं ठीक है तो प्रोटेक्ट protect, जिसको प्रोटेक्शन मिलती है वो प्रोटीज होता है जो प्रोटेक्शन लेता है ना गाइज जो प्रोटेक्शन लेता है उसे प्रोटीज कहते हैं इसमें शेयर में कर दो यार ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सेशन को जल्दी से शेयर कर दो तुम्हारी बाकी जनता भी आ जाए क्लास में तो गाइस क्या कहते हैं उसे उसे हम कहते हैं प्रटीज ठीक है जो प्रोटेक्शन ग्रहण करता है उसे प्रटीज कहा जाता है ठीक है बैकर चैम्पियन सपोर्टर एंड आइडियोलिस्ट ठीक है आइडियोलॉजिस्ट जिसको uh, सपोर्ट मिलता है उसे प्रोटीज कहता है ठीक है कंफ्यूज मत होना प्रोटीज प्रोटेक्शन देता नहीं प्रोटेक्शन लेता है ठीक है प्रोटेक्टर होता है आपका देने वाला आ, लीडर एपोस्टेट जो लीडर होता है एपोस्टेट होता है कॉलिफर्स होता है ठीक तो है ये सिंपल वर्ड है एपोस्टेट करना लीडर करना ये

एक्शन तो <coughs> मतलब है अपना पावर दिखाना एज अ रूलिंग और डोमिनेंट किसी में मतलब अपना पावर अपना दबदबा जमाना है ना गईस अपना दबदबा जमाना अपना अपनी धौस जमाना है कहते हैं कि नहीं धौस जाना अपना पूरा स्वैग दिखाना अपना पूरा डोमिनेट करने की कोशिश करना है ना गईस डोमिनेट करना किसी को ठीक है अपना पूरा पावर अथॉरिटी को दिखाना उसे हम कहते हैं विल्डर्स ठीक है तो बॉडी बिल्डर्स है ना गईस बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा विल्डर्स दिखाते हैं ऐसे खड़े हो जाएंगे सामने वाला कुछ करने की जरूरत ही नहीं सामने लगा ओके भैया जैसे भैया आप जैसे बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा यस yes. तो बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं आप करते हैं, अपना पावर अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं बस ऐसे खड़े हो जाएंगे ऐसे ऐसे बॉडी वॉडी के दो चार डोले शोले दिखा के मामला खत्म वहीं पर वहीं पर आपको कुछ करने उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर तो आप जो बोलोगे वो करेगा बेचारा वो जो बोलेगा आप करेंगे बेचारे है ना गईस तो दैट इज विल्डर्स ठीक है बॉडी बिल्डर्स डू विल्डर्स दे शो देयर अथॉरिटी देयर पावर देयर डोमिनेंस तो उसे विल्डर्स कहते हैं याद रहेगा तो उसे विल्डर्स कहा जाता है एक्सरसाइज करना एक्सर्ट करना प्लाई करना ओके गाइस एंटोनिम इग्नोर करना निग्लेक्ट करना फेल हो जाना एंटोनिम है इग्नोर कर देना निग्लेक्ट कर देना और फेल हो जाना ठीक है तो विल्डर्स इज डोमिनेट एक्सरसाइज अथॉरिटी ठीक है जी याद रहेगा सिंपल है सिनोनिम सिनोनिम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं प्ले अप्लाई वर, वर्ड ध्यान रखना बाकी अप्लाई एक्सरसाइज exert exert वर्ड इज इंपॉर्टेंट अगर आपको नहीं पता इसकी मीनिंग बाकी तो सिंपल वर्ड्स ओके गाइस इग्नोर नेग्लेक्ट एंड सिंपल सिंपल वर्ड्स आगे देखते हैं एंटागोनिस्ट गाइस एंटागोनिस्ट कौन होता है एंटा मैंने हमेशा बताया एंटा मतलब जिसके साथ आपकी एंटी है मतलब ना यार इसके साथ मेरी पट्टी नहीं इसके साथ मेरा हमेशा झगड़ा रहता है ठीक है वन दैट इज हॉस्टाइल टूवर्ड्स अनदर एंटागोनिस तो प्रतिपक्ष जो आपके अगेंस्ट मतलब वन हो आपके अगेंस्ट होता है आपका ओपोनेंट होता है आपका एनिमी होता है ओके okay, आपका फो होता है हॉस्टाइल होता है हमने पिछले वर्ड बार लाइक कल या परसों हॉस्टिलिटीज वर्ड पढ़ा था हमने ट्रिक किया था कि हॉस्टल के लड़कों ग्रुप्स के बीच में हमेशा हॉस्टिलिटीज रहती है राइट गाइस हमने ये पड़ा था कि हॉस्टल के ग्रुप्स के बीच में हमेशा हॉस्टिलिटीज रहती है तो हॉस्टाइल होना एडवर्सरी होना ठीक है गाइस सेशन को प्लीज़ शेयर कर देना दूसरे ग्रुप्स में क्योंकि मैं नहीं कर पाई मैम ओके okay. आ, पता क्या बोल रहे हो आ, समझ में नहीं आया मुझे ओके गाइस ठीक है एंटोनियम एंटोनियो मुझे कहा बडी चम कॉमरेड या फिर क्रोनी uh, मतलब कि वहाँ पे बडी होना आपका कॉमरेड होना आपका दोस्त होना है ना आपका फ्रेंड होना आपका साथी होना आपका सपोर्टर होना ठीक है ने मुझे कहा बडी बोलते ना यार यू आर माई बडी है ना गई चम कॉमरेड क्रोनी तो आप मेरे दोस्त हैं ठीक है आप मेरे दोस्त हैं अच्छा गाइस मैं आपको बैच के बारे में बताई नहीं हूँ एक बार बैच के बारे में बता, बता देती जो अब नेक्स्ट बैचेस आप लोगों के लिए आने वाली हैं ठीक है अब जो आपकी नेक्स्ट बैचेस आने वाली आर ओके uh, okay. अब आपकी जो नेक्स्ट बैचेस आएंगे गाइस दैट विल न्यू बैचेस आपकी पंद्रह सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो जाएंगे okay, जिसमें 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 बहुत सारे एजुकेटर्स होंगे जिन बैच में और अगेन टीम ऑल आपकी ऑल स्टार वाली बैच आएगी ठीक है जिसमें आप यू कैन यूज यूटिलाइज कोर्ट परी टेन ठीक है ऑल स्टार वाली बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो विद द कोड परी टेन इसमें आपको चारों टीचर्स मिल जाएंगे ठीक है जी जी uh, फिर आप सी के बैच जो मेरी वाली बैच है गाइस इसको ज्वाइन कर सकते हो विद द कोड सेम परी टेन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑफर्स ठीक है जी तो इसको आप फॉलो कर सकते हो फुल कवरेज सिलेबस है क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों में बढ़ाई जाएंगे 400 हंड्रेड आवर्स कंज्यूम्ड होंगे टॉप एजुकेटर्स कंट्री के होने वाले हैं अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट होगा गाइस बहुत सारे एजुकेटर्स हैं इसमें एक चार एडुके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर मतलब बिग टीम ऑफ एजुकेटर्स डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा तो आपके सारे फेवरेट एजुकेटर्स गाइज इस बैच में हैं ठीक है तो आप इस बैच में एनरोल कर लेना इसमें आपको मेरी क्लासेस जरूर मिलेंगे और इन सफलता बैच यू हैव फाउंडेशन बैच एम एम टी एस की बैच एंड एम एस एस सी स्टेनोग्राफर की बैच है ना गईस तो ये आपकी एक बैचेस आ रही है एम टी एस की स्टेनोग्राफर की और आपका तो एग्जाम आ भी रहा है ना गाइस तो अगेन यू कैन अप्लाई द कोड पर फॉर दिस बैचेस आप इन बैचेस के लिए इनफैक्ट सारी बैचेस के लिए गाइज यू कैन यूज द कोड पी आर वन जीरो फोर मैक्सिमम एंड मैक्सिमम डिस्काउंट गाइज ओके okay, चलो इसमें आप लोगों को हर वो चीज़ मिलेगी 15 सितंबर से बैचेस स्टार्ट हो रही हैं टॉप पी डी आपको मिल जाती गाइस अन अकेडमी में सबसे बेहतर बात है कि आपको हर क्लास का पीडीएफ मिलता है है ना नहीं तो आप लोग कोई भी ऑनलाइन क्लासेस कर लें आपको पीडीएफ नहीं मिलता ऑफलाइन में तो आपको सारा उतारना पड़ता था बट यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन दोनों पी मिल जाते हैं ठीक है अनलिमिटेड मॉक्स एक्सेस टू टेस्ट होता टेस्ट होता है आपको बड़े सारे टेस्ट मिलते हैं गाइज ट्वेंटी टेस्ट का कंटेंट अन के पास है आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है फिर आपको अनलिमिटेड एक्सेस है अनलिमिटेड एक्सेस इसलिए क्योंकि आपको अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम की बैच ज्वाइन करें दैट डजेंट मीन कि आप आप सैनोग्राफर की नहीं ज्वाइन कर सकते आप सीपीओ की नहीं ज्वाइन कर सकते आपको जो बैचेस ज्वाइन करनी गई सर टोटली फ्री आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है ठीक है आप एक से ज़्यादा बैच आप सारी बैचेस भी इनरोल कर लो गाइस वो आपकी चॉइस है मतलब इसमें आपको कोई uh, बस यू हैव टू पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन उसके बाद आप सब्सक्राइब uh, सब्सक्राइबर subscribe, हो जाते हो एंड देन गाइस आप लोगों की क्लासेस में आपको कोई भी किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको हर हाँ बहुत सारे फीचर्स अन अकेडमी ने प्रोवाइड किए हैं ठीक है तो सीपीओ की बैचेस आ रही है कॉन्स्टेबल जी की बैचेस आ रही है तो गेन सेम कोड पर ही फॉर दिस फॉर दिस बैचेस ठीक है इस बैचेस को एनरोल करने के टाइम

कैन टॉक टू स्टूडेंट योर टीचर्स एंड अपनी बातें बता सकते हो मतलब बहुत अच्छा अब बहुत इंट्रैक्टिव मतलब बोलते थे इंट्रैक्टिव सेशन बट नाउ मैं बोलती हूँ अब हुआ है बढ़िया वाला इंटरेक्टिव सेशन जिसमें आप स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं आई कैन लिसन सम अदर वॉइस मेरी अपनी आवाज के अलावा अदर गाइस आपका सितंबर का ऑफर गाइस आ गया है ओके okay, तो इसमें आपका ओके uh, okay. इसमें जो है आपका अगेन फ्री मंथ्स वाला सब्सक्रिप्शन है कि अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल गेट एट मंथ एक्स्ट्रा ओके गाइज दैट मीन्स ट्वेंटी फोर प्लस एट ट्वेंटी प्लस एट कल वाला ऑफ़र ख़त्म हो गया है ओके गाइज़ अगर छः महीने का लेते हो तो यू विल गेट टू मंथ एक्स्ट्रा ओके अगर आप 12 महीने एक साल का लेते हो तो ट्वेल्व प्लस फोर दैट मीन्स फोर मंथ एक्स्ट्रा तो ये आपको इतने फ्री मिल रहे हैं ठीक है अगर, अगर आप एस आपका एस और बैंक का कॉम्बो आगे गई ले सकना चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर लेना तो एस बैंक का कॉम्बो आ चुका है अगेन ट्वेंटी फोर मंथ का लेते हो नॉट ईयर्स 24 मंथ्स का लेते हो मतलब 24 प्लस 12 गाइस अगर 24 महीने का लेते हो तो 12 महीने आपके फ्री हैं और अगर आप 12 महीने का लेते हो एक साल का तो 6 महीने आपके फ्री हैं ठीक है बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से <coughs> ओके okay. ठीक है गाइस तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंड सजेस्टेड इज टू गो फॉर एसएससी एंड बैंक इफ़ यू वांट टू गो फॉर एसएससी एस सी सिर्फ एस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो अभी आपको अन अकेडमी दो साल में आठ महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहा है तो अच्छा खासा टाइम है गाइस काफ़ी ज़्यादा टाइम है ढाई साल के अबव है ना तो आप लोगों को इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए और अगर जी चलो तो आप अपने हिसाब से इसको ऑफर्स को देख लीजिएगा जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा कॉम्बैट ज्वाइन कर सकते हो एंड दिस इज द प्लेस वेर यू अप्लाई द कोड ठीक है तो बैचेस के बारे में बता दिया बैक टू स्टडीज चलो गाइस मैंने अभी जो अपकमिंग बैचेस हैं वो मैंने आपको बता दिया है चलो वापस चलते हैं मुद्दे पे तो विल्डर्स का मतलब होता है गाइस जो डोमिनेट करता है और एंटागोनिस्ट वो होता है जिसके साथ आपकी एंटी होती है हमारी नहीं बनती है ना गाइस हमारी बनती नहीं है एंटी है हमारी तो गाइस एंटागोनिस्ट एनिमी है आपका है ना एंटी वर्ड आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो है ना तो गाइस उसको हम एनिमी कहते हैं आपका एनिमी है आपका फो है आपका एडवर्सरी है आपका आपका दुख चाहने वाला चाहने वाला की जैसे कि

आई दीपक आंटियों के एक दूसरे की काफ़ी एंटागोनिस्ट होती हैं ऐसे भी करना चाहते हो तो कर सकते हो वैसे एंटी वर्ड भी से भी याद रख सकते हो तो मगर आंटियों से करना चाहते हो तो आंटियों से भी कर सकते हो जॉर्टन दैट इज ऑल्सो कूल अक्षय और गौरव भानु अब्दोस अग गई चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज गाइज अपाल्ड अपाल्ड का मतलब होता है एकदम चकित रह जाना है ना appalled का मतलब होता है एकदम हैरान हो जाना get dismayed और horrified मतलब डर जाना डर जाना हैरान हो जाना जो हम कहते हैं चकित हो जाना इस appalled ठीक है चकित हो जाना इस appalled blindsided startled गाइस startled वर्ड ध्यान रखना अच्छा है, blindsided एंड surprise सिंपल वर्ड्स है, तो uh, startled मींस व्हेन यू आर वेरी जब आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएं सरप्राइज्ड हो जाएं एनी लॉट सरप्राइज्ड एंड uh, yeah. ठीक है गाइस uh, <coughs> uh, ट्रिक दिमाग में लगाते हैं एंटोनियम हो जाएगा कैजुअल नॉन चैलन एंड अनरफल्ड अनरफल्ड अन्रुफल। गाइस जिससे कोई फर्क ना पड़े नॉन चैलन एंड कैजुअल मतलब कोई फर्क ना पड़े एकदम रिलैक्स है चिल है तो गाइस ये आपके एंटोनियम हो जाएंगे ठीक है अपैल्ड गाइज अपैल्ड का मतलब होता है चकित हो जाना आई एम थिंकिंग ऑफ द ट्रिक गाइज इसको ऐसे कर लो इट्स नॉट लाइक हॉरिफाइड हाँ जब आपका एप्पल का फोन गिर जाए तो आप अपाल्ड हो जाते हैं है ना गाइज तब आपकी बैन बच जाती है क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से लिया था और गया ठीक है एप्पल गिरा तो अपाल्ड हो जाते हैं हैं गाइज एप्पल गिरा तो यस एप्पल गिरा तो आप अपाल्ड हो जाते हैं एप्पल गिरने पे आप अपाल्ड हो जाते हैं आप हैरान परेशान डर जाते हैं कि यार अब तो गए है ना गईस तो एप्पल गिरा चोरी हुआ वो अपने आप में एक नया दुख की शुरुआत है वो एक नए दुख की शुरुआत है तो अपाल्ड का मतलब होता है चकित हो जाना है हैरान हो जाना परेशान हो जाना ओके गाइस अपाल्ड मीन्स चकित हो जाना नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं ओके नेक्स्ट इज गाइज रेजोनेट रेजोनेट इज संबंधित टू कंटिन्यू और बी रिपीटेड इन अ सीरीज ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स ठीक है तो इको होता है ना इको जो हो रहा होता है जो आपको गूंजती है वाज ठीक है उसे रेजोनेट कहते हैं इको होना रिको होना री साउंड होना रेवरेट होना गाइस वर्ड ध्यान रखना रेवरेट दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है तो <coughs> यस yes, रेजोनेट जब साउंड आपको रिपीटेडली आती है तो उसे रेजोनेट कहते हैं जब साउंड रिपीटेडली आती है तो गाइस उसे रेजोनेट कहते हैं जैसे पहाड़ों में ज़्यादा जा हम चिल्लाते हैं ना तो वो गूंजती है ना बार बार इको होने लगता है तो उसे रेजोनेट कहा जाता है हर बंदा जाके यही करता है सबसे पहले पहाड़ों में है ना सबसे पहले अपनी आ, कलाकारी को हम टेस्ट करते हैं कि आ, हमारी आवाज़ कितनी आ, कितनी देर तक कितनी गूंजती है ठीक है तो उसे हम अपार उसे हम क्या कहते हैं रेजोनेट कहते हैं ठीक है टू कंटिन्यू और मतलब रिपीटेड अ सीरीज तो गूंजना इसको हिंसरी संबंधित मैं लिखो इसको लिख दो गूंजना ओके गूंजना ओके गाइस गॉट इट चलो आगे देखे फटाफट तो अपाल मीन चकित रह जाना अपाल का मतलब होता है हैरान हो जाना एप्पल गिरा तो आप अपाल्ड हो जाएंगे गाइस अगर आपका एप्पल गिरा

Uh, क्या चल रहा है गई आज आप लोग सेशन को थोड़ा कम शेयर करो जो मुझे देखने को मिल रहा है uh, क्या बात है स्टूडेंट्स भी हमारे आज बड़े गायब लग रहे हैं <tell noise> क्या आंसर हो गाइस सॉरी uh, एक तो मुझे ये वर्ड बोलने की आदत हो गया चलो जय सेशन को शेयर वेयर कर दो यार ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी क्लासेस को ज्वाइन कर सकें ठीक है रवि जॉर्डन दीपक जी ओके इस तो लेट्स सी तो कैचिंग अप का मतलब होता है पकड़ना टू अप और होल्ड एज एन इन अ नेट तो किसी को नेट में या किसी चीज में पकड़ना है ना कैच अप करना है तो आप जानते हैं कैच करना बॉल को कैच करना लेना तो किसी को पकड़ देना ठीक guys, Snaring, है कैचिंग करना है ना स्नैरिंग टैंगलिंग एंड ट्रैपिंग अच्छे वर्ड्स है गाइस है ना स्नैर करना आपका मतलब होता है किसी चीज को पकड़ लेना कैच कर लेना टैंगलिंग या फिर ट्रैपिंग ठीक है तो so, कैचअप का मतलब होता है स्नेयर करना टैंगल करना या फिर ट्रैप करना अलग कर एक्सट्रिकेट कर, कर, कर देना ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे ठीक है एक्सट्रिकेट का मतलब होता है मुक्त कर देना फ्री कर देना ठीक है इस डिटैच कर देना डिस मतलब अलग कर देना डिटैच का मतलब होता है अलग कर देना ओके अलग करना डिसंगेज करना मतलब वैन यू आर नॉट एंगेज आप उसमें एंगेज नहीं हो आप उससे अलग हो चुके हो एक्सट्रिकेट का मीन्स आप किसी चीज को फ्री कर देते हो ठीक है गाइस तो कैचअप आप जानते सिंपल वर्ड है गाइस ध्यान रखना टांगलिंग एंड स्नेरिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बाकी आप लोग आगे एक बार रिविजन करोगे तो हो जाएगा नेक्स्ट इज गाइस रिलेंटलेस रिलेंटलेस इज एन एजेक्टेड दैट मीन्स शोइंग नो साइन ऑफ स्लैकिंग और ईलिंग इन वन पर्पस ठीक है रिलेंटलेस को हम एक तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कह सकते हैं रिलेंटलेस का मतलब एक तरह से डिटरमाइन भी होता है 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 ना गाइस डिटरमाइन भी होता है, मतलब कि अब वो किसी के मानने वाला नहीं है है ना गाइस वो किसी की बातों में नहीं आएगा उसका जो पक्का है जिसने करना है पक्का इरादा है तो वो आ, वो ही करेगा है ना गाइस तो वो रिलेंटलेस है ठीक है दृढ़ है जिसको हम हिंदी में दृढ़ भी कह सकते हैं ठीक है गाइस उसको हम दृढ़ भी कह सकते थोड़ी हिंदी मेरी गड़बड़ है ठीक है तो रिलेंटलेस uh, एडजेक्टिव है ठीक है डिटरमाइंड इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रिम है ओके okay, इम्प्लिकेबल है डॉज्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ठीक है डॉज्ड होना ग्रिम होना इम्प्लिकेबल होना डिटरमाइन होना को हम कहते हैं रिलेंटलेस ठीक है तो इसका मैंने ट्रिक दिया था गाइस कि रिलेटिव्स को बात सुन के वी आर रिलेंटलेस हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम को करना है तो हम करेंगे है ना गईस तो ये ना रिलेटिव का ही मैंने कल आपको डॉन्ट करवाया था डॉट टॉन्ट मार मार के हमको दुखी करते परेशान करते और जॉब कर लग रही है और बेटा प्राइवेट जॉब कर लो कब तक कहाँ गवर्नमेंट जॉब लगती है आजकल बहुत दिक्कत है बहुत दिक्कत है तो गाइस दिस इज रिलेंटलेस कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिलेंटलेस हैं डिटर माइंड हैं हम डॉज हैं ग्रिम है इम्प्लैकेबल हैं है, तो रिलेटिव की बात सुन के वी आर रिलेंटलेस ठीक है रिलेटिव्स की बात सुन के हम लोग रिलेंटलेस हैं हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है राइट गाइस एंटोनिम है स्लैकिंग सॉफ्टनिंग ईल्डिंग एंड इम्पोर्टेंट मतलब शक्ति इम्पोर्टेंट का मतलब होता है शक्ति ना होना पावरलेस होना ठीक है इल्डिंग का मतलब होता है किसी की बातों में आज किसी की बातों को मैं मान लेना है ना गाइस सॉफ्ट होना स्लैकिंग होना मतलब कि किसी कमजोर होना ओके okay, गाइस ये आपके एंटोनम्स हो जाएंगे ओके okay, गाइस उसे हम कहते हैं रिलेंटलेस तो कैचिंग अप का मतलब होता है पकड़ना कैच अप करना किसी चीज को पकड़ लेना ठीक गाइस स्नेयरिंग टंगलिंग एंड ट्रैपिंग स्नेयर करना टंगल करना या ट्रैप करना गाइस और रिलेंटलेस होता है डिटरमाइन होना डॉज्ड होना इम्प्लेकेबल होना ग्रिम होना मतलब कि एक तरह से अड़े रहना अपनी बातों में कि हम ना हटने वाले हम तो ऐसे ही करेंगे ठीक है Okay गाइस चलो आगे देखें कैचिंग अपडसेंट गाइस कॉग्नीजेंट बस थोड़ी छोटी सी क्लास है, गाइस खत्म होने वाली जल्दी जल्दी कर लो कॉग्नीजेंट का मतलब होता है जानकार हैविंग स्पेसिफाइड फैक्ट्स और फीलिंग एक्टिवली इम्प्रेस्ड ऑन द माइंड ठीक है तो आप जब कॉग्निजेंट होते हैं जानकार होते हैं किसी बात के लिए है ना गाइस आप uh, सब जानते हैं है ना गाइज हमें सब पता है एस के बाद में यू गाइज आर कॉग्निजेंट ठीक है अपने बारे में कोई भी कॉग्निजेंट होता नहीं है है ना गाइज सब अपने बारे में नहीं जानते हैं मगर दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं पूछ के देखो है ना गाइज तो कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार होना ओके गाइज एप्रीहेंसिव होना अवेयर होना कॉन्शियस होना ठीक है एप्रीहेंसिव होना कॉन्शियस होना अवेयर होना बस बस बी के अब आ, Uh, अब नहीं है ना अभी इतनी हिंदी काफ़ी है ठीक है इस तो रिकॉग्नेज इज वेन यू आर जानकर वेन यू वेन यू आर अवेयर ऑफ़ समथिंग कॉन्शियस ऑफ समथिंग एप्रीहेंसिव ऑफ समथिंग ठीक है आप किसी चीज़ को बारे में जानते हैं एंटोनी मुझे कहा इनसेंसिबल होना Oblivious होना unaware होना, ठीक है Oblivious का मतलब होता है मतलब वेन यू आर नॉट अवेयर ठीक है कोई चीज भूली जा चुकी है जानकारी नहीं है किसी की चीज के बारे में insensible है अन अवेयर है ठीक है इस तो कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवेयरनेस होना जानकारी होना ठीक है इस चलो आगे बढ़े स्प्य स्पर्ड आपका अर्थ और पुश फॉरवर्ड विथ और एज ए ऑब्जेक्ट ठीक है तो जो आपको प्रेरित करता है जो आपको एक्टिवेट करे है ना गाइस तो इस जब आपका ठीक <clears throat> है तो कोई चीज जो आपको डक करे गोड करे एक्टिवेट करे आपको एनर्जाइज करे दट इज है ना गाइस तो आ, है ना इसको रेड से कर लो तो रेड देख के सब रेड जो होता है इस लाइक वेरी एक्टिव है ना गाइस तो रेड इज स्पर्ट है ना रेड जो होता है वो स्पर्ट होता है चल जाएगा चलो तो कॉग्निजेंट सिंपल वर्ड है कि कॉग्निजेंट का मतलब होता है देखो इसको ऐसे कर लो कि संत लोग बड़े कॉग्निजेंट होते हैं है ना संत लोग बहुत cognizant, वो सब बात के जानकार होते हैं अवेयर होते हैं कॉग्निजेंट संत बड़े कॉग्निजेंट होते हैं ऐसे याद लो कल संत बहुत ज्यादा कॉग्निजेंट होते हैं जानकार होते हैं अपनी बातों को लेके कॉन्शियस होते हैं अवेयर होते हैं एप्रीहेंसिव होते हैं ठीक है जी चलो Guys, आपका फ्री मंथ का ऑफर फिर से स्टार्ट हो चुका है तो कोड अप्लाई कर लेना परी टेन और उसको ज्वाइन कर लेना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और आपका फ्री मंथ वाला सब्सक्रिप्शन आ, फिर से स्टार्ट हो चुका है आज से तो अगर आपको फ्री मंथ्स वाले सब्सक्रिप्शन पे कोड लेना है तो गाइस आप इस कोड को अप्लाई करके अकेडमी ज्वाइन कर लेंगे जिससे आपको और भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है गाइस स्पर का मतलब होता है रेड देख के आप प्रेरित होते हैं है ना गाइस खतरे का वैसे भी खतरे का साइन देख के सब प्रेरित हो जाते हैं सब एक्टिवेट हो जाते हैं बचने की कोशिश करते हैं चलो अगे फॉल आउट का मतलब होता है विवाद टू एक्सप्रेस डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट समथिंग ऑफन एंग्रीली ठीक है फॉल आउट का मतलब फॉल आउट का मतलब होता है वहाँ पे दो जब दो, दो एक दूसरे से फॉल आउट होते हैं अलग होते हैं वहाँ पे क्योंकि झगड़ा है अल्टकेशन है अल्टकेट है आर्ग्यू है ठीक है तो जब आ लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो दे फॉल आउट फॉल आउट जैसे कि घर के बाहर निकल जाते हैं फॉल एक बाहर एक इधर है ना गाइस तो फॉल आउट होना का मतलब होता है अलग हो जाना ओके गाइस एंटोनियम हो जाएगा एक्सेप्ट करना गेट अलॉन्ग को एग्जिस्ट होना एक्सेप्ट करना गेट अलॉन्ग को एग्जिस्ट करना ठीक है यह आपके एंटोन so, हो जाएंगे तो फॉलोज़ मीन्स एक्सप्रेस डिफरेंट ओपिनियंस वेन यू एक्सप्रेस योर डिफरेंट ओपिनियंस उसे uh, और आप लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए तो दैट इज़ फॉल आउट लोग uh, सबसे बेहतर एग्जाम्पल uh, है गई झगड़ा हो जाता तो लोग ग्रुप छोड़ के फॉल आउट हो जाते हैं ना गई झगड़ा हो जाता तो लोग ग्रुप्स छोड़ देते हैं या तो निकाले जाते हैं या तो खुद हो जाते हैं मैम आज नोटिफिकेशन नहीं आई थी सो आई वॉज डेट कोई बात नहीं सुहेल तब मैं कहती गाइज स्टूडेंट्स प्लीज नोटिफिकेशन शेयर कर दो मगर हमारे स्टूडेंट भी बहुत तगड़े होशियार हैं ठीक है तो उसे हम कहते हैं फॉल आउट होना अल्टरकेट होना आर्ग्यू होना आर्गे होना नेक्स्ट इज गाइज होलिस्टिक ठीक है हॉलिस्टिक का मतलब होता है कैरेटराइज बाय कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ समथिंग एज इंटीमेटली इंटरकनेक्टेड एंड इन एक्सपीकेबल ओनली रेफरेंस टू द होल तो गई होलिस्टिक का मतलब होल होना इस तरह से भी कर लो एक तरह से पूरा हिस्सा होना इंटीग्रेटेड होना ठीक है एक तरह से पूरा हिस्सा होना इंटीग्रेटेड होने को भी हॉलिस्टिक कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव होना यूनिवर्सल होना इंटीग्रेटेड होना ठीक है कॉम्प्रिहेंसिव होना इंटीग्रेटेड होना नेक्स्ट एंटोनस गाइस, पार्शल एक्सक्लूसिव एंड ओके गाइस चलो तो हॉलिस्टिक का मतलब पूरा होल पार्ट होना फॉलोट का मतलब झगड़ा हो जाना विवाद हो जाना गाइस चलो एक बार रिविजन कर लेते हैं तो ये तो बहुत आगे जाना पड़ेगा ओके गाइस बेलगर का मतलब होता है घेरा डाल देना ठीक है गार्ड कर देना घेरा डाल देना प्रोटीज का मतलब क्या होता है गाइस प्रोटीज जिसको प्रोटेक्शन मिलती है वो प्रोटीज होता है बाकी मैंने आपको ऑफर्स बता दी बहुत सारी बैचेस आ रही हैं आपके फिफ्टींथ सेप्टेम्बर से तो अप्लाई द पर रिटर्न एंड ज्वाइन एन अकेडमी ठीक गाइस चलो देन गाइस बिल्डर्स बॉडी बिल्डर्स बिल्डर्स होते हैं अपना एक्स अपना अपना प्रभुत्व दिखाते हैं एंटागोन जिसके साथ आपकी एंटी होती है झगड़ा होता है लड़ाई होती है युद्ध होती है अपाल्ड उसे हम कहते हैं चकित होना स्टार्टल होना सरप्राइज हो जाना उसे हम कहते हैं उसे कहते हैं चकित हो जाना सरप्राइज हो जाना रेजोनेट का मतलब होता है गाइस साउंड जब गूंजती है तो उसे रेजोनेट कहते हैं ठीक है जब साउंड गूंज रही होती है तो उसे रेजोनेट कहा जाता है ओके okay, का का मतलब मतलब होता होता पकड़ना, ठीक है? का होता है किसी चीज के साथ साथ पकड़ लेना रिलेंटलेस गाइस तो वेन आपके रिलेटिव्स से हम लोग की बातों से वी आर रिलेंटलेस ठीक है रिलेटिव की बातों से वी आर वेरी रिलेंटलेस हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है okay, कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार ओके okay, कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार ओके okay, स्पार्क का मतलब होता है प्रेरित होना फॉल आउट का मतलब होता है फॉल आउट हो जाना विवाद हो जाना लोगों से ठीक है और होलिस्टिक का मतलब होता है पूरी तरह से होल समग्र ठीक है जी तो गाइस आपको समझ में आ ही गया होगा सेशन आप लोगों को यस तो गाइस सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना इसको शेयर जरूर कर देना और गाइड्स आपको पता है अन अकेडमी अब आपको फ्री मंथ्स के ऑफर दे रही है जिसमें आप लोग को दो साल में काफ़ी सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है एट मंथ का टू मंथ का फोर मंथ का तो अपने उस हिसाब से अपने कोड को अप्लाई कर लेंगे पर टेन और अन अकेडमी ज्वाइन कर लेंगे ठीक है और कोड को अप्लाई कर देंगे और अन अकेडमी ज्वाइन कर लेंगे ठीक गाइड्स तो चलो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस में अगर सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चलो गाइज बाय टेक एंड बी हैप्पी हाँ बाय गाइज़